अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब भाईजान, क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक की ज़ात हमारे हालों पे रहम फरमाए, करम फरमाए, फ़जल फरमाए। मकसद ये है कि डेट जो है काफ़ी लम्बी दी गई है, नौ महीने की 4 तारीख को डेट है, और उस तारीख तक कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें सब लोग इकट्ठे इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ नैब कोर्ट में पहुँचें। इससे पहले कोशिश करें कि सैफ रहमान साहब से मुलाकात करें, अगर वो टाइम देते हैं तो उनके साथ अगर मिल बैठ के बात कम मसले का हल हो जाए तो ठीक है, अगर वो देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, क्या करना चाहते हैं, एक आधा बार उनसे मुलाकात हो जाए और ऑन रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, ताकि हर बंदे को पता चल जाए कि उनके ख्याल में क्या बात है। क्योंकि हकीकत में तो मालिक वो है ना, हमारे मालिक वो हैं, पहले उनसे बात की जाए इत्तेफाक इत्तेहाद से, ताकि कोई मसले का हल का पता चले कि वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, फिर नैब कोर्ट का रुख करें। क्योंकि पहले जब तक बात का मुकम्मल पता ना चले वो क्या कहता है ऑन रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो कोशिश करें सब लोग इकट्ठे हों ताकि सैफ रहमान साहब से कोई मुलाकात हो और उनसे पूछा जाए कि उनका क्या ख्याल है, गरीब आवाम को और पेशना चाहते हैं, माल देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, क्या चाहते हैं वो। तो उसके बाद अल्लाह पाक करम करेगा, अगर वो इनकार करते हैं, नहीं देना चाहते, अगर देना चाहते हैं तो फिर भी नैब का रुख करेंगे कि हमारे अकाउंट को ओपन करें, अगर नहीं देना चाहते तो फिर भी नैब की तरफ रुख करना होगा, देना चाहते हैं तो उनके हक में रैली निकालेंगे कि सैफ रहमान साहब के अकाउंट को बहाल करो और हमारे पैसे वापस करो, अगर नहीं देना चाहते तो फिर तो कहेंगे कि ये हमारा मुजरिम है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई ऐसा सीज़न बनाया जाए, ऐसी मीटिंग बनाई जाए, ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो मुखलिस हो, मुनाफिक ना हो। तो अंदर के हालात तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मगर इंशाल्लाह जो जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं वो हकीकत बात है बोलते नहीं हैं, मगर अंदर से वो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। तो इसके बारे में जो जो भाई राय देना चाहता है वो बता दे, और मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ, जहाँ कहेंगे इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।